हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लौकी का रायता बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। वीडियो में तक बने रहिए, नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें एक लौकी ले लिए है, जो कि इसको हम कट करके इसको हम छील लेंगे। लौकी को हम छील लेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से पानी में धुल लेंगे। तो अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इसको चाकू से बारीकी काट सकते हैं। तो अब इसको हम कद्दूकस कर लिए हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और गैस पे रख के उबाल लेंगे। तो ये अच्छी तरह से उबल रहा है। अब इसको हम फिर से ढक देंगे। अभी अच्छी तरह से उबला नहीं है, तो ये अच्छी तरह से ये पक गया है। तो मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम दही लिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं दही को। और इसमें हम थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे। और अब इसमें हम काला नमक डाल देंगे। और भुना हुआ जीरा डालेंगे पीस कर। और लाल मिर्च पाउडर आप इसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। और उबला हुआ लौकी को मैं ठंडा करके इसमें डाल दूंगी। तो इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे लौकी को। तो अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा। और रायता मसाला और लाल मिर्च पाउडर। तो लौकी का रायता बनकर तैयार हो गया है। आप इसको खाने के साथ ले सकते हैं और रोटी या चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है और साथ में हेल्दी भी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और लौकी का रायता आप सबको कैसा लगा? लौकी का रायता अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।